कंपनी में फील्ड ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। मालपुरा मवडी आलम से कलेक्शन करके उन्हेल रोड की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक दो बाइक सवार लुटेरे बिना नंबर की पल्सर बाइक पर आए और पैसे छीन लिए। पीड़िता अजय बामनिया ने बताया कि वे लोग मुझे डराने लगे और जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मैंने डर के मारे बैग दे दिया। घटना 2 बजे की बताई जा रही है। इंगोरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही अज्ञात लुटेरों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध इंगोरिया पुलिस ने कर लिया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण आकाश भुरिया, एसडीओपी घनश्याम बामर, एडिशनल एसपी ग्रामीण आकाश भुरिया, एसडीओपी घनश्याम बामनिया आदि अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि अजय बामनिया निधि फाइनेंस कंपनी में फील्ड मैनेजर हमेशा कलेक्शन करने ग्रामीण क्षेत्र में आते रहते हैं। मौका पाकर लुटेरों ने धावा बोल दिया। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है। 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है फाइनेंस कंपनी वाले के साथ, क्या है पूरा मामला? ये एक अजय पिता मांगीलाल बामनिया है, ये बागली के रहने वाले हैं। ये L&T कंपनी जो समूह में लोन देती है महिलाओं को, उसमें कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं। 1.5 साल से उन्हेल में विपट कॉलोनी में रहते हैं, उनका बैंक का ऑफिस उन्हेल में है। ये डेली कलेक्शन करते हैं 1 से 10 तारीख के बीच में। हमने समूह से आज सुबह 6:30 बजे करीब कलेक्शन करते हुए पलथोड़ा से निकले थे। पलथोड़ा से मालपुरा, जहांगीरपुर, सुभाषा आदि स्थान से करके ये मालपुरा गए थे। मालपुरा से कलेक्शन करके जब वापस आ रहे थे तो मालपुरा और मोहड़ी आलम के बीच में एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल को आड़े लगा के 2 व्यक्तियों ने इनके साथ एक घटना करी है। इनको डरा धमका के पैसे का बैग लिया है इनसे, और इन्होंने डर के कारण उनको बैग दे दिया है। उसमें अभी ये बताने 1,22,900 रुपये का कलेक्शन उसमें लगभग था, और उसमें एक डिवाइस जो इनकी कंपनी की जो पैसे जमा करने के बाद पर्ची निकालते हैं वो, और काला बैग है मोटरसाइकिल पे। आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब आगे आपने नुकसान लगा दिए हैं, और कल साइबर सेल की मदद ली जाएगी। इस रूप पे उनके साइबर PHTN डाटा निकला जाएगा। मौके पर SOP बामनिया सर और एडिशनल SP आकाश भूरिया सर भी आए थे, उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए हैं। और मेरी अभी पार्टी गई हुई है टीम अलग अलग स्थानों पर। अभी तक प्रकरण दर्ज हुआ कि नहीं? हाँ, अपराध दर्ज हो गया है और उसकी विवेचना प्रारंभ हो गई है। तो सुबह कितने बजे की घटना? दोपहर या 2:20 के करीब की घटना है। नाम है आपका? अजय बामनिया। किस प्रकार की लूट हुई आज आपके साथ, क्या है पूरा मामला? पहले मैं कलेक्शन पे गया था, मालपुरा से कलेक्शन करके लगा था समूह की किस्त। तो उधर से मालपुरा से आते समय मालपुरा और मऊरी आलम के बीच दो बदमाश आए, तो वहाँ पे पहले से रुके हुए थे, ठीक है। तो एक बदमाश उतरा और मेरी गाड़ी रोकी, और वो क्या बोलते थे बंदूक, वो तान दी और बोला कि बैग दे, ठीक है। मैंने मेरी जान बचाने के लिए मैं वो बैग दे दिया और वो सीधे निकल गए उन्हें रोड। कौन सी कंपनी है आपकी? मेरी L&T फाइनेंस है उन्हेल। कहाँ पे आपके ग्राहक हैं? वो पासलो से इंगोरिया के बीच में सारे गाँव में। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपर विलेज मेरा नयापुरा है, और तहसील बागली और जिला देवास है। आप कहाँ रहते हो यहाँ अभी वर्तमान में? उन्हेल में विपट कॉलोनी में।